हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोग्राम को प्रोसेस करने की। और जब इसे प्रोसेस करेंगे वी गेट अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसपे स्टार्ट का मतलब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। आपके प्रोग्राम का नाम है PG1। ठीक है, यहाँ पे तीन इंस्ट्रक्शंस है। लोड रजिस्टर वन विथ फोर, वेर फोर इज डिक्लेयर टू बी अ कॉन्स्टेंट हैविंग अ डेटा फोर। सिमिलरली फाइव इज डिक्लेयर टू बी अ कॉन्स्टेंट हैविंग अ डेटा फाइव। इसका मतलब क्या हुआ? लोड रजिस्टर वन विथ फोर, एड टू रजिस्टर वन फाइव। लोड किया फोर को, एड किया फाइव को, मतलब 4 + 5 9। और उस आंसर को अपन ने किया स्टोर, वेर टेम्प इज अ स्टोरेज ऑफ वन फुल वर्ड। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिक एडिशन कर रहा है, टू नंबर्स का एडिशन। लेकिन आपने जो लिखा है वो असेंबली लैंग्वेज है और हमारे प्रोसेसर को चाहिए मशीन लेवल बाइनरी लैंग्वेज। तो अब देखो पा कहानी में असेंबलर क्या करता है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। लोकेशन काउंटर इनिशियलाइज टू जीरो। यस पीपल, लोकेशन काउंटर इज इनिशियलाइज टू जीरो। अब असेंबलर ने सबसे पहले ऑपकोड को देखा जिसमें लिखा है स्टार्ट। तो जैसे ही ऑपकोड मिला वो जाके सर्च करेगा POT में। क्या POT में स्टार्ट की एंट्री है? यस। तो प्रोसेस को कॉल करो, प्रोसीजर को कॉल करो, अरे रूटीन को कॉल करो। और वो रूटीन कहता है, अरे यू आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? PG1, मतलब आपका सिंबल डिफाइन हो रहा है। और जब सिंबल डिफाइन होगा एंट्री शुड बी मेड इन सिंबल टेबल। ये सब कौन कर रहा है? वो रूटीन कर रहा है। ओके, तो सिंबल इज गेटिंग डिफाइंड। क्या नाम है सिंबल का? PG1। एंट्री यहाँ पे की जाएगी, सिंबल का नाम है PG1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर? जीरो। लेंथ इज जीरो एंड दिस वैल्यू इज रिलेटिव, रिलेटिव क्योंकि रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, लोकेशन काउंटर अभी भी जीरो बिकॉज दिस डजंट कंज्यूम एनी मेमोरी। उसके बाद आता है यूजिंग, मेक अ सर्च इन पॉट, मैचिंग एंट्री फाउंड। रूटीन कहता है यू आर मेकिंग अ बेस रजिस्टर अवेलेबल। अब ये बेस रजिस्टर क्यों चाहिए? क्योंकि आपने जो इंस्ट्रक्शन यूज किया है वो RX फॉर्मेट है, तो RX में बेस रजिस्टर चाहिए। तो विच इज द बेस रजिस्टर अवेलेबल? 15। तो देखो यहाँ पे ना एंट्री की जाएगी, ये जो नो था ना वो बन गया यस एंड उसका कंटेंट इज जीरो बिकॉज लोकेशन काउंटर करेंटली इज जीरो। फिर LC बन गया जीरो क्योंकि इट डजंट कंज्यूम एनी मेमोरी। फिर आता है L, L मतलब लोड था। तो L, मेक अ सर्च इन पॉट, मैचिंग एंट्री नॉट फाउंड। मेक अ सर्च इन मॉट, ओहो मैचिंग एंट्री फाउंड, वाह मजा आ गया सर। तो इस एंट्री को देख के समझा ये उसका बाइनरी ऑपकोड, ये उसका लेंथ है और ये उसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में या तो RR होगा या RX होगा, और भी है हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है। तो RX का मतलब क्या? RX का मतलब आपको इस इंस्ट्रक्शन को असेंबल करने के लिए सबसे पहले चाहिए बाइनरी ऑपकोड, जो आपको यहां से मिल जाएगा। जो भी था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। नेक्स्ट आपको चाहिए R1। R1 मतलब रजिस्टर। सर वेर इज द रजिस्टर? R1, ये देखो 1 आ गया। फिर चाहिए बेस, यस बेस। विच इज द बेस रजिस्टर अवेलेबल? 15। तो यहाँ पे 15 आ गया। इंडेक्स कब आता है? जब ब्रैकेट्स है। इफ देर आर नो ब्रैकेट्स देन देर आर नो इंडेक्स, इट रिमेन्स जीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है सिंबल टेबल में इस सिंबल का वैल्यू। चेक करो सिंबल टेबल में क्या 4 का वैल्यू है? अरे सर सिंबल टेबल में तो 4 की एंट्री नहीं। एंट्री क्यों नहीं? क्योंकि सिंबल डिफाइन नहीं है। सिंबल क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि सिंबल आगे डिफाइंड है। सिंबल आगे क्यों डिफाइंड है? अरे भाई प्रोग्रामर की मर्जी। प्रोग्रामर को तो एक रूल बोला गया था, ए प्रोग्रामर जो भी सिंबल यूज करेगा ना उसको डिफाइन करने का। हाँ तेरी मर्जी, किधर डिफाइन करना है तेरी मर्जी। इंग्लिश में बोलते हैं द सिंबल कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर ने क्या किया? पहले सिंबल को यूज किया और बाद में डिफाइन। सर पहले सिंबल यूज हुआ फिर डिफाइन, तो ऐसे यूज को कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस। इंग्लिश में कहते हैं द रेफरेंस इज मेड टू द सिंबल प्रायर टू इट्स डेफिनेशन। मतलब आपने सिंबल को यूज किया उसको डिफाइन करने से पहले। ये तो फॉरवर्ड रेफरेंस हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सिंबल डिफाइन नहीं किया तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। अगर एंट्री नहीं होगी तो वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और सर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला तो असेंबलर इस इंस्ट्रक्शन को असेंबल करेगा कैसे? आ गया ना प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम।
अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए। भाई व्हाट इज फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर वन, टोटल 4 पॉइंट्स है। रूल्स ऑफ ALP असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेट दैट द सिंबल कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज का जो रूल है वो कहता है, अरे सर सिंबल को आप किधर भी डिफाइन करो। अब जब बोला किधर भी, तो दो बातें होंगी। नंबर वन, पहले डिफाइन किया फिर यूज। नंबर टू, पहले यूज किया फिर डिफाइन। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में आपने देखा था ना, हमने पहले सिंबल को यूज किया और बाद में डिफाइन किया। तो ऐसे रेफरेंस को कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस। वही लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में। देर कैन बी केसेस इन विच अ सिंबल इज यूज बिफोर इट इज डिफाइंड एंड सच अ केस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेफरेंस। क्योंकि आपने सिंबल यूज किया उसको डिफाइन करने से पहले। ऐसा प्रॉब्लम सी लैंग्वेज में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे अलग रूल है। वहां का रूल क्या है, पहले डिफाइन करो फिर यूज, जबकि असेंबली लैंग्वेज में फुल आजादी। ठीक है, अब फॉरवर्ड रेफरेंस समझा। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ड्यू टू फॉरवर्ड रेफरेंस असेंबलर कैन नॉट फाइंड द एड्रेस, एंड बिकॉज असेंबलर कैन नॉट फाइंड द एड्रेस असेंबलर कैन नॉट असेंबल, और असेंबलर असेंबल नहीं करेगा तो करेगा क्या। आ गया ना प्रॉब्लम में, और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। सर फॉरवर्ड रेफरेंस अलग है, प्रॉब्लम अलग है। रेफरेंस मतलब सिंबल यूज किया डिफाइन करने से पहले, एंड प्रॉब्लम ये है कि डिफाइन नहीं तो एड्रेस नहीं, एड्रेस नहीं तो असेंबल नहीं, असेंबल नहीं, अरे असेंबली तो करेगा क्या। यस दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना। इसको सॉल्व करने के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पास हम करेंगे टू पास। पास का मतलब होता है प्रोग्राम को स्कैन करो ऊपर से नीचे एक बार, ऊपर से नीचे एक और बार, मतलब टोटली प्रोग्राम को स्कैन किया जाएगा 2 बार। यही लिखा है पॉइंट नंबर थ्री। टू सॉल्व द फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम असेंबलर विल मेक टू पासेस ओवर द इनपुट। अब आप बोलोगे सर दो पास से कैसे सॉल्व होगा, बताता हूं, ध्यान दीजिए। द पर्पस ऑफ पास वन इज टू डिफाइन द सिंबल्स एंड द लिटरल्स एनकाउंटर्ड इन द प्रोग्राम। इसका मतलब पास वन का एक ही पर्पस है, जो जो सिंबल डिफाइन हुआ ना सिर्फ उसी स्टेटमेंट को प्रोसेस करो, जो जो लिटरल एनकाउंटर्ड हुआ उसी को प्रोसेस करो। खबरदार किसी को असेंबल मत करना, असेंबली का जो काम है वो पास टू में करेंगे। मतलब पास वन में जो भी सिंबल डिफाइन है ना वो सबकी एंट्री आपको मिलेगी सिंबल टेबल में, और जो भी लिटरल एनकाउंटर्ड है उसकी एंट्री मिलेगी लिटरल टेबल। इसका मतलब बाय द एंड ऑफ पास वन हमारा सिंबल टेबल और लिटरल टेबल फुल हरा भरा हो जाएगा विद ऑल द सिंबल्स डिफाइंड एंड द लिटरल्स एनकाउंटर्ड। इसके बाद क्या प्रॉब्लम है, जस्ट पास टू करो और हर इंस्ट्रक्शन को आप आसानी से असेंबल कर पाओगे। तो इन द पेपर जब ये क्वेश्चन आता है पहले आप वो एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए, फिर ये थ्योरी लिख दीजिए और मिल जाएंगे पूरे के पूरे मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।